मेघना गुलजार की फिल्म छपाक से प्रोड्यूसर बनी दीपिका पादुकोण अपनी इस नई भूमिका में पूरी तरह ढल गई हैं। प्रोड्यूसर बनते ही दीपिका ने अपने हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है जो किसी भी फिल्म मेकर के लिए आसान नहीं होता। दीपिका पादुकोण महाभारत पर फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में वो खुद द्रौपदी का किरदार निभाने जा रही हैं। दीपिका की यह महाभारत द्रौपदी के नजरिए से कहानी कहेगी। दीपिका के साथ फिल्म को मधु मंटेना को प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट अभी तय नहीं की गई है। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दो या तीन भागों में बनाई जाएगी और पहला भाग 2021 में रिलीज होगा। महाभारत को डायरेक्ट करने के लिए भी किसी बड़े फिल्म मेकर की तलाश की जा रही है। बता दें कि महाभारत काफी वक्त से चर्चा में है, इसको लेकर कई खबरें आ चुकी हैं। कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि आमिर खान महाभारत बनाने वाले हैं, इस पर अरबों रुपए खर्चा करने की बात भी सामने आई थी ताकि इससे भव्यता दी जा सके। आमिर खुद कृष्ण का किरदार निभाना चाहते थे मगर इससे आगे यह महाभारत नहीं बढ़ सकी। पिछले साल खबरें आई कि आमिर ने समय की तंगी की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया क्योंकि इस महाभारत को परफेक्शन से बनाने के लिए काफी वक्त देना पड़ेगा। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल ने भी कुछ महीने पहले ही महाभारत बनाने का ऐलान किया था लेकिन उन्होंने कोई बड़ा फैसला इस पर नहीं लिया। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।